भले कच्ची उम्र में शाम आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं कि खून पे इल्ज़ाम आ जाए। हमारे गाँव में बहनें उसे राखी नहीं बांधेंगी, जंग से जो कोई भाई नाकाम आ जाए। ये कुर्बानी की भावना हज़ारों साल से हमारे यहाँ है, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य से आप देख लीजिए, चाहे सम्राट अशोक से आप देख लीजिए, हमारे महाराणा प्रताप से आप देख लीजिए, वहाँ से लेकर छत्रपति महाराज शिवाजी तक, फिर रानी लक्ष्मीबाई बेगम, हज़रत महल, तात्या टोपे तक, वहाँ से शहीद आज़म भगत सिंह तक, वहाँ से सुभाष चंद्र बोस तक, सुभाष चंद्र बोस के बहुत सारे जो कमांडर्स थे, लक्ष्मी सहगल जी थीं, वहाँ तक, वहाँ से लेके हमारे 47 का युद्ध, 62 का युद्ध, हमारा शेरशाह मूवी अभी भी आई थी, कैप्टन विक्रम बत्रा, कारगिल का युद्ध, और वहाँ से गलवान घाटी के वो 20 शहीद, और उसके बाद अभी जो हमारी कोचिंगों में डिफेंस की तैयारी करने वाले लड़के लड़कियाँ हैं, जो आगे चल के सर्विसेज दे रहे होंगे, और उनमें से कुछ दुर्भाग्यवश उस गौरव को प्राप्त कर रहे होंगे जिसमें उन्होंने जीवन के लिए बलिदान दिया होगा। मैं एक आम आदमी हूँ, आप भी मेजॉरिटी जो है वो आम आदमियों की है, हमारा उतना बड़ा जिगर है नहीं कि हम देश के लिए अपनी जान दे पाएँ, ना हमारा इतना बड़ा कलेजा है, इतना देशभक्ति है कि हम भामा शाह की तरह अपनी पूरी दौलत महाराणा प्रताप को दे दें, या रतन टाटा की तरह डोनेशन बहुत अच्छा कर लें, ना हम उतने धनवान हैं, तो जान हम दे नहीं सकते, पैसा हम देना उतना चाहते नहीं हैं। तो एज अ सिटीज़न, एक आम नागरिक के रूप में हम क्या ही कर सकते हैं, एक नागरिक के रूप में हम ये देख सकते हैं कि हम आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं, पर आने वाले 25 साल का क्या। राहत इंदौरी का एक बहुत अच्छा शेर है कि हमसे भी पहले कई मुसाफिर गुजरे हो गए, कमबख्त राह के पत्थर तो हटाते जाते। तो हमें ये देखना है कि अभी जो हो गया वो हो गया, आने वाले 25 साल हम क्या छोड़ के जा रहे होंगे। जैसे बचपन में मुझे याद है, जब 15 अगस्त पे फंक्शन होता था तो हमारे टीचर्स ने एक बार एक गाना गाया था कि लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो हम इस देश के बच्चे हैं, आने वाले 25 साल में हमारा देश उस मुकाम पे हो जो करीब करीब 20-22 साल पहले कलाम साहब ने बोला था इंडिया विजन 2020 में। 2022 चल रहा है, उस 2020 को 2 साल हो गए। वो जो कलाम साहब बोल के गए थे कि भाई किसान की आय डबल हो जाएगी, या किसान खुश होगा, बेरोज़गारी नहीं होगी, उसमें हमें भी काफ़ी दूरी है। इन 25 साल में वो बेरोज़गारी दूर होनी है, गरीबी दूर होनी है। उनसे भी बड़ा मुद्दा जो मैं आज आपसे शेयर करना चाहूँगा, एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा, आज के बाद से एक बहुत छोटी सी आदत डाल लीजिए, सोच में एक परिवर्तन कर दीजिए कि आप पहले भारतीय हो, उसके बाद हिंदू हो, उसके बाद मुसलमान हो, उसके बाद SC ST OBC या जनरल हो। समस्या अभी जो हमारे देश में है वो काफ़ी हम तरक्की कर रहे हैं, कोई बुराई नहीं है उसमें, बहुत अच्छी बात है कि हमने प्राइवेटाइजेशन किया, ठीक है, हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, ठीक है, जियो आ गया वो भी ठीक है, हमने बहुत कुछ कर लिया। मगर एक ये जो भावना पिछले कुछ 10 साल में आप देखते हो जो बहुत बढ़ गई है, और ज़्यादा टाइम बढ़ी है, 1970s के बाद तो बहुत बढ़ी है, कि अभी भी आप लोगों को देखो तो लोग पहले अपनी कास्ट को रखते हैं, बाद में अपने राज्य को, बहुत हो गया राज्यवाद कि हम गुजराती हैं, हम मध्य प्रदेश के हैं। तो आप अपने राज्य, अपनी जाति, अपने धर्म, उस सबसे पहले आपकी पहचान आपका देश होना चाहिए। अब कैसे करेंगे ये 15 अगस्त 26 जनवरी पे DP डाल के, घर के आगे तिरंगा लहरा के, WhatsApp पे स्टेटस डाल के हर घर तिरंगा, बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा आपके एक्शन लेते हुए आपको ये सोचना होगा कि इस एक्शन का जो इफ़ेक्ट है, जो इम्पैक्ट है, वो मेरे देश पे क्या हो रहा है। अगर मैं टैक्स चोरी कर रहा हूँ तो मेरा तो फ़ायदा हो रहा है, मान लीजिए कोई आदमी नहीं कर रहा, वैसे मेरे पास तो अभी दूर है अभी टैक्स। जब आप टैक्स पे कर रहे हो और आप टैक्स की चोरी करते हो तो आपको लगता है मेरा तो फ़ायदा हो गया कि 6 लाख की जगह 3 लाख देना पड़ा, देश का क्या घाटा हुआ, हर कोई यही सोचेगा। जब आप आज देखो लोग कार में जा रहे होते हैं, गाड़ियों पर जा रहे होते हैं, वो चाय का थर्माकोल फेंक देते हैं, ये कुछ रैपर इस तरीके से कुछ फेंक देते हैं, आपने तो अपनी बला डाल ली, देश को आपने क्या दिया। आइसक्रीम खा के कचरा फेंक देते हैं, या टैक्स चोरी कर लेते हैं, बिना सोचे समझे अफवाह फैला देते हैं, अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हो। अगर आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप देश को बीमार कर रहे हो, क्योंकि देश में मेजॉरिटी युवाओं की है, और युवा अगर बीमार होंगे, जरा सी उम्र में पथरी हो जाएगी, शुगर हो जाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगा, ओवरवेट हो जाएंगे, तो क्या ही कर पाओगे। तो हम जो भी काम कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट आप चाहो ना चाहो देश पे तो आना ही है, क्योंकि अगर देश एक फैब्रिक है, कपड़ा है अगर देश, तो उसका जो एक एक थ्रेड है वो आप और मैं ही तो हैं। तो अगर हम उस थ्रेड को स्ट्रॉन्ग कर लें, खुद को स्ट्रॉन्ग कर लें,
ईमानदार बना लें, जो हमारी संस्कृति, हमारा जो नेशनल एम्बलम है सत्यमेव जयते, सत्य के साथ अगर आ जाएं, हो गई राष्ट्र की सेवा, तो हम शहीद नहीं हैं, हम भामाशाह रतन टाटा भी नहीं हैं, शेर शाह भी नहीं हैं, हम एक आम नागरिक हैं। अगर हम उसी को अच्छे से निभा लें, देश की सेवा हो गई। धन्यवाद।